श्रम कानूनों में बदलाव, मजदूरों को न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी, मजदूरों को पेंशन दिलवाने के साथ मनरेगा बजट में वृद्धि मुद्दों को लेकर ट्रेड यूनियनों के राष्ट्रव्यापी हड़ताल के तहत हमीरपुर बाजार में भी सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सरकार पर मजदूर विरोधी और कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए कानून में बदलाव करने के आरोप लगाए। श्रम कानूनों में बदलाव, मजदूरों को न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी, मजदूरों को पेंशन दिलवाने के साथ मनरेगा बजट में वृद्धि मुद्दों को लेकर ट्रेड यूनियन के राष्ट्रव्यापी हड़ताल के तहत हमीरपुर बाजार में भी सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सरकार पर मजदूर विरोधी और कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए कानून में बदलाव लाने के आरोप लगाए। ट्रेड यूनियन के राष्ट्रव्यापी हड़ताल के तहत हमीरपुर में सीटों से संबंधित आंगनबाड़ी वर्कर, बिजली बोर्ड यूनियन, LIC कर्मचारी यूनियन सहित अन्य यूनियन के कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक पर धरना प्रदर्शन किया। काफी ठंड व बारिश के बावजूद प्रदर्शन के दौरान जिला भर से आए लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपना गुवार निकाला। इस मौके पर सीटू के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर ठाकुर कश्मीर सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे। सीटू जिला अध्यक्ष जोगिंदर सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मजदूर विरोधी है और लोगों को गुमराह कर निजी कंपनियों को फायदा देने के लिए सरकारी कंपनियों को बेचने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार छात्र छात्राओं पर हमले करने व लोगों को धर्म पर बांटने का काम कर रही है, इसलिए आज की हड़ताल जरूरी है। देश के तमाम पूरे देश के अंदर आम राष्ट्रव्यापी हड़ताल कर रही है। आज तकरीबन पूरे देश के 25 करोड़ लोग जो है हड़ताल पर है, सड़कों पर है, अपनी मांगों को लेकर। ये मांगे हैं सरकार जो श्रम कानून है देश में मजदूरों को सुरक्षा देने के लिए, उन श्रम कानूनों को बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स कंपनियों के लिए बदला जा रहा है। साथ ही न्यूनतम वेतन 7 रुपया मासिक करने को लेकर, सभी मजदूरों को 3,000 रुपया मासिक पेंशन देने को लेकर, मनरेगा का बजट बढ़ाने को लेकर, और जो स्कीम वर्कर्स है उसमें आंगनबाड़ी वर्कर्स है, मिड डे मील वर्कर्स है, आशा वर्कर्स है, उनको पक्का करने की जैसी मांगों को लेकर, और देश में जो मेहनत के बाद, खून पसीने की कमाई के बाद जो देश ने अपने संसाधन अर्जित किए हैं, उन संसाधनों को ये मोदी सरकार कौड़ियों के भाव बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को बेच रही है, उसके खिलाफ जो है आज ये पूरे देश के अंदर हड़ताल की जा रही है। और अगर ये मोदी सरकार इन्हीं रास्तों पर आगे बढ़ती है तो आने वाले समय के अंदर मजदूर देश का मजदूर जमात इससे भी बड़ी बड़ी हड़तालें आयोजित करेंगे। सीटू के राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा कि आज केंद्र सरकार मनरेगा को खत्म करने के लिए आमदा है, जिसके कारण पूरे देश में महंगाई चरम पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार महंगाई को कंट्रोल करने की बजाय बढ़ाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हर वर्ग पेंशन के दायरे में लाने की मांग की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मजदूरों के खून पसीने की कमाई के पैसे को PM कल्याण बोर्ड में जमा करवाने की बात की जा रही है, जिसका ट्रेड यूनियन विरोध करती है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि सरकार में बैठे लोगों को देश चलाना तो दूर की बात, अपना घर तक चलाना नहीं आता है। ये हड़ताल केंद्र सरकार की कर्मचारी मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ है। इस देश में जब से मोदी सरकार आई है पूरे देश को नीलामी पर लगा दिया है। बैंकों का मर्जर, निजीकरण, ये दौर जारी है और इस तरीके से पूरे देश में जो महंगाई बढ़ रहा है, आज आप देख रहे हैं डिपुओं का राशन महंगा हो गया, आपका चावल आटा ये सारे दालें महंगी होगी, प्याज महंगा हो गया, लहसुन महंगा हो गया, सारी चीज़ें महंगी होगी और मजदूरों का वेतन तो बढ़ नहीं रहा। और इसलिए जो है आज हम देख रहे हैं कि ये सरकार जो है, पहले जो नारा दिया था कि हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे, वो कंट्रोल तो नहीं हुआ, महंगाई कई गुना बढ़ गया। आज हम ये मांग क्या कर रहे हैं कि सातवें वेतन आयोग ने कहा कि आप 18,000 रुपया न्यूनतम वेतन लागू करो, पर आज महंगाई तो उससे बढ़ गया। आज तो सारी ट्रेड यूनियन 21,000 की मांग कर रही है कि 21,000 रुपया न्यूनतम वेतन लागू करो और इसके साथ साथ पेंशन का प्रावधान करो, हर मजदूर को पेंशन के दायरे में आना चाहिए। बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट बना था 1996 में, उस कानून को खत्म करने जा रहे हैं और उसके साथ साथ जो पैसा कल्याण बोर्डों में जमा है
उसको कह रहे हैं प्रधानमंत्री कोष में जमा कराओ। प्रधानमंत्री कोष में पैसा जमा हो जाएगा तो लोगों को जो आज लाभ मिल रहे हैं वो नहीं मिलेंगे। जो आज यहाँ पेंशन मिल रही है उस कल्याण बोर्ड से पेंशन नहीं मिलेगी। इसलिए आज पूरा देश में तमाम मजदूर, चाहे कारखानों का मजदूर है, पूरे देश में एक तरफ तो मंदी है, कारखाने बंद हो रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं लोग, बच्चे घरों में आ रहे हैं कारखाने बंद होने की वजह से, एक तरफ महंगाई है। ये ऐसा लग रहा है कि ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता चलेगी जिनको देश तो क्या चलाना आता, घर में नहीं चलाना आता। जो घर नहीं चला सकते वो देश को चलाने का जिम्मा उनको दे दिया। आज हम लोग जो है न्यूनतम वेतन 21,000 होना चाहिए, ये जो श्रम कानून में बदलाव कर रहे हैं नहीं होना चाहिए, पेंशन लोगों को मिलना चाहिए, और जो रोजगार गारंटी योजना है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना है, ये अक्षर अक्षर लागू होना चाहिए, 100 दिन का रोजगार मिलना चाहिए। अगर ये नहीं मिलेगा तो गांव के लोगों में भुखमरी आ जाएगी। महंगाई पर कंट्रोल होना चाहिए, सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। इसलिए आज आप देख रहे हैं भारी बारिश के बावजूद जब लोग रजाई से निकलना पसंद नहीं करते उस समय भारी तादाद में महिलाएं और पुरुष भी, और अगर आज ये बारिश नहीं होती तो शायद मेरे ख्याल है ये सैलाब जो है गांधी चौक से आगे पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस तक होता है।